मुंह में होने वाले छाले बहुत ज्यादा तकलीफ देह होते हैं। मुंह के अंदरूनी हिस्से में होने वाले जो छाले होते हैं वो कई बार कई कारणों से होते हैं। कई बार ये पेट साफ ना होने की वजह से होते हैं, हार्मोनल संतुलन बिगड़ता है तब भी हमारे शरीर में छाले निकल जाते हैं, या फिर मुंह के अंदर अगर कोई चोट लग गई है, या फिर पीरियड्स की वजह से, या फिर कॉस्मेटिक सर्जरी की वजह से भी छाले उभर के आते हैं। ऐसे तो दोस्तों छालों को ठीक करने के लिए बहुत सारी दवाइयां आती हैं जिनका हम उपाय भी करते हैं, पर कई बार दवाइयों का गलत असर भी हो जाता है। ऐसे में बेहतर यही होता है कि अगर हम कुछ घरेलू उपाय करें तो छालों का बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम ये इलाज कर सकते हैं। आज छालों के उपाय के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लहसुन से छालों का दूर करना, यानी कि लहसुन से हम छालों को दूर करने का उपाय करेंगे। बहुत ही बढ़िया रेमेडी है दोस्तों। लहसुन आप नहीं खाते हो तो भी कोई बात नहीं, पर आप छालों के लिए लहसुन का यूज जरूर करें। लहसुन में आपको पता है कि कितने ज्यादा एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल गुण होते हैं। जब भी हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है तो लहसुन से जो है उस चीज को हम दूर कर सकते हैं। लहसुन का जो फायदा होता है वो आयुर्वेद ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया हुआ है कि लहसुन में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे शरीर में किसी भी तरह का संक्रमण होने पर, किसी तरह का इन्फेक्शन होने पर, या फिर कहीं कोई चोट लग गई है, या जैसे कि छालों में भी लहसुन का उपाय बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। यहाँ पर हमें लहसुन की कुछ ही कलियां चाहिए होंगी। अगर आपके मुंह में ज्यादा जगहों पर छाले हैं तो फिर आप ज्यादा लहसुन का यूज कर सकते हैं, पर अगर आपके छाले एक या दो जगहों पर ही है तो फिर 3 से 4 लहसुन की कलियां सफिशियंट है। लहसुन जो होता है दोस्तों वो हमारी पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है। अगर हम रोज सुबह खाली पेट लहसुन खाएं तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत ही मजबूत होता है। इसके अलावा डायबिटीज को रोकने में, शरीर को डिटॉक्स करने में, या फिर सर्दी खांसी होती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, यहाँ तक कि हमारी आंखों को भी मजबूत बनाने में लहसुन हेल्प करता है। तो लहसुन के बहुत सारे आयुर्वेदिक फायदे होते हैं। चलिए हमने यहाँ पर लहसुन को छील लिया है, आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट बना सकते हैं, या फिर लहसुन को आप किसी मोटर पेस्टल में यानी कि खल मूसल में भी कूट सकते हैं। मैं यहाँ पर लहसुन को क्रशर की मदद से क्रश कर रही हूँ। लहसुन जो होता है दोस्तों हमारी अगर किडनी में कोई संक्रमण होता है तो उसको भी रोकता है। लहसुन जो है बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, बॉडी से जो हमारे विषैले तत्व तो होते हैं उनको निकालता है। तो लहसुन जो है हर तरह से फायदेमंद होता है। इससे पहले भी मैंने लहसुन को लेकर बहुत बढ़िया सी वीडियो शेयर की हुई है आपके साथ, जिनमें मैंने सर्दी खांसी कैसे लहसुन की मदद से दूर करें, या फिर बीपी को कैसे कंट्रोल करें लहसुन की हेल्प से। लहसुन से मैंने बहुत सारी रेमेडीज आप सबके साथ शेयर की हुई है। तो यहाँ पर देखिए हमारा लहसुन का कुछ इस तरीके का क्रश तैयार होगा। लहसुन को लेकर हमें यहाँ पर से क्रश कर लेना है। लहसुन का आप पेस्ट भी बना सकते हैं, जैसे चाहें यहाँ पर आप लहसुन को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं लहसुन का हमारा एक थोड़ा क्रशर सा मिक्सर बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर इस मिक्सर में हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। जी हाँ, हमें लेना है प्योर लहसुन इस तरह से क्रश किया हुआ, या फिर लहसुन का पेस्ट लेना है। जहां पर भी दोस्तों आपके छाले हो, जहां पर भी छाले हो वहां पर इतना सा लहसुन जितना मैंने अभी आपको हाथों में दिखाया है इतना सा लहसुन लेकर आप छालों पर रख दीजिए। इस तरह से आपके जितने भी जगह पर छाले हैं लहसुन का ये छोटा सा टुकड़ा उठाकर छालों पर एक तरह से जैसे हम लोग किसी घाव पर चिपकाते हैं वैसा चिपका दीजिए, और फिर इसे छोड़ दीजिए 15 से 20 मिनट या फिर आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है, आप लेटे हुए हैं, आपको कोई काम नहीं है, तो आप छालों पर इसे 1 से 2 घंटे तक भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से लहसुन रख देंगे और लहसुन का जो रस होगा वो हमारे छालों में जाएगा, और आपको हो सकता है कि हल्की सी इचिंग महसूस हो, पर आप बिल्कुल भी डरिएगा नहीं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपके छालों को हल्का ही करेगा। लहसुन को इस तरह से रखने के बाद आप छोड़ दीजिए। लहसुन जब हल्का अंदर से सूख जाएगा, या फिर आपके मुंह में किसी तरह की लार इकट्ठी होती है तो लार को आप थूक दीजिए, और लहसुन को आप चाहें तो पानी के साथ घोट भी सकते हैं, या फिर लहसुन को आप मुंह से निकाल भी सकते हैं, यानी कि इसको थूक भी सकते हैं। तो दोस्तों लहसुन की मदद से ये उपाय आप अपने छालों पर जरूर करके देखिएगा। लहसुन हमारे शरीर की गर्मी को भी दूर भगाने में हेल्प करता है। अगर आप लहसुन का यूज करते हैं तो जो है आपको छालों में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ये वाला तरीका जरूर आप अपना कर देखिएगा, बहुत ज्यादा कारगर तरीका है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपके साथ 2 रेमेडीज और शेयर कर रही हूँ छालों के लिए, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि पेट की गर्मी होती है अक्सर हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, कभी हमारा पेट साफ नहीं होता। कॉन्स्टिपेशन से प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है उनके भी मुंह में अक्सर छाले उपड़ जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे सिंपल ठंडा पानी। गर्मी के दिन है तो ठंडा पानी हम लेंगे, नॉर्मल पानी या फिर ठंडा पानी आप ले सकते हैं। ध्यान रखें कि हमें यहाँ पर गर्म पानी का यूज नहीं करना है। अब इस पानी में हम डालेंगे दोस्तों एक ऐसी चीज जो हमारे मुंह में जाकर हमारे छालों पर बहुत बढ़िया तरीके से असर करेगी, पेट को भी साफ करेगी, और जो हमारे छालों की वजह से मुंह का जो पार्ट है जो एकदम जलन से भरा होता है, जो ड्राइनेस होती है, वो दूर करेगी। जी हाँ दोस्तों, ये है शहद। शहद अगर देशी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी भी कंपनी का शहद ले सकते हैं। यहाँ पर 1 चम्मच भर के शहद डालना है, नॉर्मल पानी में इसको घोल लेना है, अच्छे से इसको मिलाकर घोल दीजिए। पानी अगर आप ठंडा यूज करेंगे तो छालों पे ज्यादा कारगर है।
क्योंकि छाले जो होते हैं हमारे पेट की गर्मी की वजह से होते हैं, तो जब भी आपको छाले हो तो आप ठंडी ठंडी चीजें ही खाएं, स्पेशली आप दही खा सकते हैं। दही जो है पेट को ठंडक देता है, शरीर को भी ठंडक देता है। आप छाछ का सेवन कर सकते हैं या फिर ठंडी चीजें, आप किसी भी इस तरह की ठंडी चीजों का सेवन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ठंडे पानी में ही शहद को मिलाकर इसका यूज करना है। इस पानी को आपको पीना है, यानी कि जैसे आप छालों पर लेते हैं, आप मुंह में छाले हैं तो आप इस पानी की एक घूंट लीजिए, छालों पर अच्छी तरह से इसको घुमाइए, जैसे हम लोग पूरे मुंह को रिंस करते हैं। अगर आपको ये पानी नहीं पसंद तो आप इसका कुल्ला भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप इस पानी को अंदर घोट भी सकते हैं, यानी कि पी भी सकते हैं। इस पानी को हमें धीमे धीमे सिप सिप करके कुल्ला करते हुए और घोटते जाना है, और अगर आपको नहीं घोटना तो आप इसका कुल्ला भी कर सकते हैं। दोस्तों ये पानी बहुत इफेक्टिव है छालों पर, अगर आपको मुंह में छाले हैं तो आप दिन भर में 3 से 4 बार इस शहद वाले पानी को लीजिए। आपको जब भी आप इसका कुल्ला करेंगे तो आपको बहुत रिलीफ महसूस होगा, साथ ही छालों के जो दर्द होते हैं उनसे भी मुक्ति मिलेगी। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है दोस्तों, शहद हर घर में होता है, स्पेशली बच्चों को भी अगर हो रहा हो तो आप उनके छालों पर भी शहद को अप्लाई कर सकते हैं या फिर शहद वाला ये पानी उनको पिला सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपनी तीसरी रेमेडी की तरफ। हमारी जो तीसरी रेमेडी है उसमें हम यूज करना है आइस क्यूब्स का। जी हाँ, सिंपल आइस क्यूब्स जो होते हैं, जो हमारे घर के फ्रीजर में हमेशा अवेलेबल होते हैं, ये सिंपल आइस क्यूब्स हैं। हमें एक आइस क्यूब लेना है और मुंह के अंदर डालना है। जी हाँ, मुंह के अंदर जहां पर भी आपके छाले हैं वहां पर आप इस आइस क्यूब को थोड़ा सा हल्का हल्का सा घुमाते हुए मुंह में आपको इसको तब तक रखना है जब तक हमारी ये आइस जो है अच्छे से मेल्ट ना हो जाए पूरे मुंह में। इस तरीके से जैसे हम लोग मुंह के अंदर रिंस करते हैं वैसे ही हमें बर्फ के इस टुकड़े को पूरे मुंह में इस तरीके से घुमाते रहना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ मुंह के अंदर। सेम इसी तरीके से हमें बर्फ को घुमा घुमा कर अच्छे से छालों की सेक करनी है। इन बर्फ से हम छालों की सेक करते हैं, इसको बोलते हैं छालों की सेक करना। ये से बर्फ बहुत ही आसानी से हर घर में होते हैं। आपको जब भी लगे कि छालों में बहुत दर्द हो रहा है, मुंह आपका एकदम ड्राई सा हो रहा है, बोलने में दिक्कत हो रही है, तो आइस क्यूब लेकर मुंह के अंदर घुमाइए। आपको फटाफट से 2 से 3 मिनट में ही क्विक रिलीफ मिलेगा, बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है दोस्तों ये बर्फ से। आइस का ये टुकड़ा एक बार जरूर मुंह में रखकर देखिएगा। हमारे मुंह में जब भी छाले होते हैं तो जब भी हम उस पर कोई ठंडी चीज लगाते हैं जैसे कि ये आइस, तो फिर उससे बहुत जल्दी हमें फायदा होता है। साथ ही हमारे छालों में होने वाले जो दर्द होते हैं, हमारे मसूड़ों में कभी कभी सूजन हो जाती है, गाल में छाले हैं तो गालों में सूजन हो जाती है, तो ये सूजन को भी कम करने में मदद करता है। इसके अलावा आप थोड़े से दूध का भी यूज कर सकते हैं, ठंडा दूध लेकर उसे भी ग्लास में लेकर आप पानी में डालकर पी सकते हैं। दूध में कैल्शियम होता है जो वायरस से लड़ने का काम करता है, साथ ही हीलिंग प्रोसेस में भी बहुत ही एक्टिव रूप से दूध भाग देता है। ठंडे दूध में रुई भिगोकर आप अपने छालों वाली जगह पर भी लगा सकते हैं, इससे भी आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों आई होप आज कोई रेमेडीज आपको पसंद आई होंगी। रेमेडीज पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों मेरे नए वीडियोस में, और अगर आपकी कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, मैं उससे जुड़ी हुई वीडियो आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी। फिर मिलते हैं दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।